नमस्कार, आप देख रहे हैं ससाई ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। वैसे देखा जाता है, चाहे वो फोर लेन हो, चाहे वो NH 30 हो, ये तमाम जगह अगर देखिएगा इर्द गिर्द का पटना शहर में, तो आए दिन सड़क दुर्घटना के लोग शिकार हो ही रहे। अब चूंकि NH 30 पे रफ्तार तो है ही, लेकिन जो छोटी छोटी जो सड़कें जो है, जो एक दूसरे सड़क से जुड़ने वाली है, उस पर भी दुर्घटना के लोग शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला है, कल रात का है, खाजकला थाना क्षेत्र का नई सड़क नवाब बहादुर रोड का। एक कार एक युवक को जोरदार टक्कर मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने 112 डायल कर वहां से आने के बाद फौरन नज़दीक के जो हॉस्पिटल है गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में उसको एडमिट कराया जाता है। अब सवाल उठता है कि इस तरह की तेज़ रफ्तार गाड़ी क्यों चलती है, क्योंकि जब देखा जाता है तो पूरा शहर जो है घनी आबादी है। इस घनी आबादी में तेज़ रफ्तार चलना कहीं ना कहीं फिलहाल दुर्घटना के लोग शिकार हो ही जाते हैं। फिलहाल कार चालक जो है गाड़ी लेकर फरार होने में सफलता हासिल करती है, और अभी जो घायल है वो जहानाबाद के रहने वाला है, पटना सिटी आकर वो अपना काम करता है। फिलहाल खाजकला थाना के पदाधिकारी जो है क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी बात को सुन लेते हैं। हम लोग मोगलपुरा पुलिस चौकी के पास, हमारी डायल 112 की गाड़ी थी, तो वहीं पे एक बच्चा दौड़ के आया बोलने कि मैम एक आदमी गिर गया, पीछे कार वाला मार के चला गया। तो फिर हम लोग गए देखने, तो वो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में था, थोड़ा बहुत हिल रहा था। तो हम लोग आनंद फानंद में उसको उठा के गिरजा हॉस्पिटल लेके आए, गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल। तो यहाँ आए तो अब उसका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है वो। उसका नाम रविंद्र कुमार है, पर पूरा पता नहीं बता पा रहे हैं अभी। अब तक यही पता चल पाया है जी? हाँ, उसके परिवार वाले नून के चौराहा के पास रहते हैं, पर वो भी पूरा पता नहीं बता पा रहा है। क्या उसके पास से कोई मोबाइल नंबर ये सब निकला? जी नहीं, उसके पास कोई मोबाइल नंबर, कोई आईडी, कुछ भी नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। PSI स्वाति सुमन। रविंद्र के बाद महेंद्र के बाद कहाँ खड़ा है? काको थाना। यहाँ क्या करता था? काम करते हो? कहाँ रहते हो? रहते जहानाबाद। यहाँ कहाँ रहते हो? काम करते हैं। कहाँ काम करते हो? अरे यहाँ पे कहीं जा रहे हो बने? नून का चौराहा के पास। हाँ, नून का चौराहा के पास। किसके पास? मकान मालिक का नाम क्या है? मकान कोई दोस्त थे या कोई परिवार में, किसी का मोबाइल नंबर? खाजकला थाना के पदाधिकारी आए थे और बताए कि एक युवक घायल अवस्था में, और उन्हें सूचना मिली थी, और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। ऐसा साइट को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।